केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स RAF के श्री मंगला प्रसाद द्वारा मनावर के प्रमुख मार्गों से मनावर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। जानकारी देते हुए श्री मंगला प्रसाद सहायक कमांडो ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की जानकारियां एकत्रित करना तथा क्षेत्र की जनसंख्या, साक्षर, निरक्षर, सामुदायिक दृष्टि संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव एवं दंगों की स्थिति निर्मित होने पर किस ढंग से नियंत्रण किया जाए, इन सभी पर अध्ययन किया जाएगा। आज बल के जवानों द्वारा थाना मनावर क्षेत्र का परिचय अभ्यास किया और कई क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस परिचय अभ्यास का उद्देश्य जिले सिविल प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर सके, जिससे आम जनमानस में प्रशासन और पुलिस पर विश्वास बना रहे। इस बल की भारत में 15 बटालियन है जो विभिन्न संवेदनशील शहरों में स्थित है। यह बल रिजर्व केंद्रीय पुलिस का एक अभिन्न अंग है, जिसका नाम रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उद्देश्य अप्रिय घटना पर नियंत्रण कैसे किया जाए, जिसको लेकर आज फ्लैग मार्च निकाला गया। सिंह वास्कले, SDP मनावर। ये रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी है जो पूरे जिले के भ्रमण पे और जिले के जो थाने हैं उनका भ्रमण कर रही है। मुख्य उद्देश्य जिले की एवं थानों की भौगोलिक स्थिति से रूबरू होना है, और यदि किसी प्रकार से कोई सांप्रदायिक तनाव या और भी कोई अचानक किसी प्रकार कोई मतलब घटना होती है तो उसके बारे में पूर्व तैयारी, ताकि सभी को उस स्थिति का ज्ञान हो जाए।